नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। इस स्टॉक्स का हम रिव्यू करेंगे, जानेंगे क्या ये स्टॉक्स एक मल्टीबैगर रिटर्न आगे चल के दे सकता है, क्या ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स है। तो इस स्टॉक का हम पूरा एनालिसिस करेंगे, समझेंगे इस स्टॉक के बारे में और किस प्राइस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब इसके टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को हम एक ब्रीफ में देखेंगे, मतलब एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, तो चैनल पर जाइए और यहां पर सारे वीडियोस को देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए। स्टॉक मार्केट के धीरे धीरे बेसिक नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज भी हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि अपना पोर्टफोलियो कैसे आप बना सकते हैं, 10,000 का, 1,00,000 रुपये का, FMCG सेक्टर के कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से ज़्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे है जो कि पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, मतलब टैक्स एकदम कर्ज फ्री कंपनियां हैं, और उसके स्टॉक्स आपको कैसे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं और किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए। इन सारे तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो सक्सेस प्लेस चैनल पे जाइए और वीडियोज को देखिए और सीखिए स्टॉक मार्केट को। तो चलिए हम शुरू करते हैं मदरसन सुमी के बारे में, जो मदरसन सुमी स्टॉक्स है। इसके सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, इसके हिस्ट्री को देखते हैं, क्या यह कभी मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, मतलब ये स्टॉक्स नीचे गिरने के बाद फिर से ऊपर एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है या नहीं, क्योंकि अभी जो हमारा कोरोना वायरस का इफेक्ट है उसके कारण ये स्टॉक्स बहुत ही नीचे के प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो अभी का जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसके बाद ये नीचे आया है, तो फिर से क्या ये एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। इस पहले हम इसके टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट को देखते हैं। तो ये देख लीजिए, ऑल ओवर टाइम का ये चार्ट है 2020 से लेकर अभी तक 2020 तक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देख लीजिए प्राइस, एक बार ये हमारा 2015 में गया है कितने प्राइस तक, चलिए तो देख लेते हैं, तो 154 रुपीज़ के प्राइस तक गया है, 154 रुपीज़ के प्राइस तक ये गया है। फिर यहाँ से देखिए ये नीचे आया यहाँ से, तो 2015 में 154 रुपीज़ तक जाने के बाद यहाँ से 100 पर आया, 100 से आने के बाद ये फिर से देखिए एक नया हाई कितना को टच किया, 257 रुपीज़ के, फिर यहाँ से ये ब्रेक हुआ, फिर ये नीचे आया, तो फिर यहाँ से देख सकते हैं ये 97 रुपीज़ तक आया, फिर 97 रुपीज़ से ये ऊपर गया 142 रुपीज़, मतलब 150 रुपीज़ के अप्रॉक्स 149 रुपीज़ 80 पैसे तक। फिर वहाँ से अभी आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है मात्र देखिए कितना रुपीज़ पे, 53 रुपीज़, 53 रुपीज़ तक आ चुका था, लेकिन अभी ये फिलहाल प्राइस जो 86 रुपीज़ है। जिस दिन मैंने वीडियो बना के बताया था आपको कि आप मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स इस सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे चल के अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो देख सकते हैं वहाँ 70 रुपीज़ पे मिल रहा था उस दिन, और वहाँ से ये 16 रुपीज़ आगे जा चुका है, मात्र 70 रुपीज़ का स्टॉक 16 रुपीज़ आगे जा चुका है, मतलब समझ सकते हैं आपको कितना रुपीज़ का 20% से अबव का रिटर्न दे दिया। जिस दिन से मैंने इस स्टॉक्स को कहा था आपको बाय करने, उस दिन से अभी तक ये 20% का रिटर्न दे चुका है। तो समझ सकते हैं जिस दिन मैंने आपको वीडियो बना के बताया था उस दिन से अभी तक ये 20 रुपीज़ का रिटर्न दे चुका है। तो टेक्निकल एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, मतलब इसके चार्ट को जब रीड कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि कई बार ये नीचे आया है, फिर से अपने प्राइस मतलब अपने एक नया हाई को बनाया है। यहाँ पर देख सकते हैं 155 रुपीज़ के प्राइस से ये नीचे आया था, कितना के प्राइस तक, 197 रुपीज़ के प्राइस तक, देख सकते हैं 2016 में, 2015 में ये 155 रुपीज़ के प्राइस तक था, वहाँ से 96 रुपीज़ पे आया, वहाँ से फिर से ये 257 रुपीज़ के प्राइस तक गया। तो मतलब आप 100 से 257 कितना का रिटर्न हुआ, मतलब 250% का रिटर्न, तो देख सकते हैं 250% का रिटर्न ये दे चुका है, 250% से एभव का। तो फिर से आपको ये यहाँ से आया, फिर से यहाँ से आपको ये 3x 4x रिटर्न दे सकता है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस पर देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स बार बार अच्छा रिटर्न दिया और रेगुलर डिविडेंड पे करने वाली स्टॉक्स है,
और लगातार बोनस देने वाली, डिविडेंड पे करने वाली, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पे बोनस बी देखते हैं, बी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है बी, वहाँ यहाँ ये स्टॉक्स बोनस दिया है, बहुत ही बेहतरीन बोनस। बोनस एक मैजिक है जो आपको रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देता है। अगर ये 30% रिटर्न दिया और 2 बार बोनस दिया, अगर 1:1 का भी बोनस दिया, तो वो समझ जाइए आपको 300% का रिटर्न, मतलब 600 × 6 = 1200% का रिटर्न हो गया। तो ये बोनस का मैजिक है, मतलब उससे शेयर ही आपका डबल हो जाता है डायरेक्ट, जैसे रिटर्न आपको 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना दिया उसमें 2 मल्टीप्लाई, अगर 3 बार रिटर्न दिया तो उसको 3 से लगातार मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ये बोनस का मैजिक है। तो इसका हम टेक्निकल एनालिसिस कर लिए और ये देखे कि ये कई बार अपने हिस्ट्री को रिपीट कर चुका है, कि मतलब ये नीचे करेक्ट हुआ है और फिर से एक नया हाई बनाया है। तो चलिए हम अब इसके प्रोडक्ट को देख लेते हैं और इसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है देख लीजिए, तो जो मदरसन सुम्मी है इसके प्रोडक्ट को देख लेते हैं, फिर हम मदरसन सुम्मी के शेयर प्राइस का चार्ट तो देख ही लिए। तो कराए इट्स ब्रांड बिजनेस पोर्टफोलियो इंक्लूड्स वायरिंग हार्नेसेस, वायरिंग हार्नेसेस मिरर फॉर पैसेंजर कार, वायरिंग हार्नेस बनाता है, मिरर बनाता है पैसेंजर कार के लिए। उसके बाद इंजेक्शन मॉड्यूल प्रोडक्ट, इंजेक्शन जो मॉड्यूल प्रोडक्ट है वो बनाता है। मॉड्यूल्स इंक्लूडिंग डैशबोर्ड्स, जो मॉड्यूल्स इंक्लूड करता है वो डैशबोर्ड हो गया, डोर ट्रिम्स हो गया, मतलब जो दरवाजा का ट्रिम्स है, बम्पर हो गया, जो बम्पर होता है हमारा गाड़ी में बम्पर बनाता है, ब्लो मॉड्यूल्स कंपोनेंट बनाता है, लिक्विड सिलिकॉन्स बनाता है, लिक्विड सिलिकॉन्स रबर बनाता है। तो मतलब ये सारे जो कि गाड़ी के में यूज होने वाले प्रोडक्ट है, जैसे एक्सट्रूड रबर प्रोडक्ट, प्रेसिस मैकेंड मेटल कंपोनेंट, इस तरह के सारे प्रोडक्ट ये बनाता है जो कि गाड़ी में यूज होता है। और इसका बिजनेस आप देखेंगे तो हैरत हो जाएगी, ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो है फैला हुआ है, इतना MNC कंपनी है, मतलब इसका वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट है। देखिए मदरसन सुम्मी सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर, बहुत ही बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वायरिंग हार्नेस फॉर कमर्शियल व्हीकल एंड रियर व्यू मिरर्स फॉर पैसेंजर कार्स इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है, वायरिंग हार्नेस फॉर कमर्शियल व्हीकल एंड रियर व्यू मिरर, जो रियर व्यू मिरर होता है हमारा, जो ड्राइवर पीछे की ओर देखता है जिस मिरर में, वो बनाता है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो मोटिव वायरिंग हार्नेस एंड मिरर फॉर पैसेंजर कार। तो आपने देख लिया कि ये जो एक MNC कंपनी है कि जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट बनाता है, देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है हमारा इसका, ये देख सकते हैं मदरसन सुम्मी का ये सारा प्रोडक्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट ये बनाता है और वर्ल्ड वाइड एक MNC कंपनी है। चलिए हम NSE की वेबसाइट पर आ गए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए अभी जिसका करंट प्राइस है, आप देख सकते हैं 86 रुपये 65 पैसे, जो क्लोज हुआ था उससे पहले, ये जो लास्ट ट्रेडिंग डे का प्राइस है 86 रुपये 65 पैसे, उससे पिछले दिन 81 रुपये 50 पैसा पे क्लोज हुआ था और ओपन हुआ, नया हाई बनाया, लो बनाया और क्लोज हुआ। तो ये देख लिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे मायने नहीं रखता है, लेकिन अभी इस प्राइस पे आप बाय नहीं करेंगे। जैसे मार्केट में करेक्शन आता है तो ये आपको 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ पे मिल रहा है, तो उस समय आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस बताए कि ये बार बार अपने हिस्ट्री को रिपीट करते रहा है, तो इसीलिए आप इसमें थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है कि अभी के प्राइस पर आपको नहीं लेना है, थोड़ा इसमें करेक्शन होगा तब आपको लेना है। अब देखिए यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 61% है, पब्लिक शेयर होल्डिंग 38% है, और लगातार डिविडेंड भी कंपनी देती रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंट, 1 रुपीज़ 50 पैसा का, 2 रुपीज़ 25 पैसा का, 2 रुपीज़ का डिविडेंट, 2018 में बोनस भी दिया है 1:2 का। अब यहाँ पर प्लीज शेयर देख लेते हैं, प्रमोटर्स प्लीज शेयर देख सकते हैं कि 9.24% शेयर प्लीज्ड है, 61.73% में 9% प्लीज्ड शेयर है। तो 9% जनरली 9% जो प्लीज शेयर होता है वो कठिन नहीं होता है, 25% जब एवव होता है तब वो कंपनी के लिए थोड़ा बेड माना जाता है। अब देख लेते हैं जो हमारा ट्रेडिंग हुआ है पिछले दिन, कितना शेयर ट्रेड हुआ है और कितना परसेंट डिलीवरी हुई है, इन सब चीज़ों को तो देख सकते हैं। डिलीवरी देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, 6 करोड़ 71
और ट्रेडिंग, ये ट्रेडेड शेयर है 6,71,35,739, इतना शेयर जो है ट्रेड हुआ है। डिलीवरी उसमें 19% है, 19.04% डिलीवरी है, मतलब 1,27,81,000 शेयर डिलीवर हुआ है। तो डिलीवर क्वांटिटी परसेंटेज में 20 है, और जो डिलीवरी परसेंट है इसका अभी अप्रॉक्स वो भी अप्रॉक्स 20% है, जो कि आगे हम आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो 52 वीक हाई है, देख यहां पर देख लीजिए, 52 वीक हाई 162 रुपीज़ है, देख लीजिए यहां पर फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं 52 वीक लो 48 रुपीज़ का बनाया है, देख सकते हैं 24 मार्च को यही पिछले महीने बनाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 52 वीक हाई 162 रुपीज़ है, और जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज में है और भी कई सारी कंट्रीज में है, तो जैसे हमारा और सिचुएशन ठीक होता है, जिसका बिजनेस जैसे चालू होगा, तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ इसमें देखने मिलेगा। देख सकते हैं मदरसन हैज ऑपरेशन इन 41 कंट्रीज अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अरे साउथ अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया। तो देख सकते हैं कस्टमर्स आर सर्व्ड ग्लोबली फ्रॉम 270 फैसिलिटीज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब बाय ओवर 1,35,000 प्रोफेशनल, 1,35,000 प्रोफेशनल इतना को सर्व करता है, सेवा देता है ये मदरसन सुमी। तो आपने देख लिया, और आप देख लीजिए नीचे हम इसके थोड़ा और फंडामेंटल एनालिसिस को देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी हमने कर लिया, और नीचे यहाँ पर इसका पी रेशियो देख लीजिए 37 है, इंडस्ट्री का कितना है 32। तो अभी ये थोड़ा पी रेशियो हाई है, जैसे थोड़ा सा प्राइस पे करेक्शन होता है तब आप इसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बुक वैल्यू 20 का है, तो बुक वैल्यू ठीक ठाक है, डिविडेंड 150% का है, डिविडेंड भी ठीक है, डिविडेंड देख लीजिए बहुत बेहतरीन है, मतलब 100 रुपीज़ में आपको 1.73 रुपीज़ का डिविडेंड ये देगा, तो डिविडेंड भी ठीक है। EPS अर्निंग पर शेयर 2.29 रुपीज़, ये थोड़ा सा कम है, अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 80% लोग कह रहा है कि आप इस शेयर को बाय कीजिए, तो चलिए ये भी अच्छा है। तो ये था सारा मतलब टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस मदरसन सुमी का। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ, जो कि आपको कम प्राइस वाले होंगे, फिर हम अच्छे अच्छे जो महंगे स्टॉक से उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।